In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is Comprehension and Composition English. And today is our lecture number is 13. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम अपनी जो है राइटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने राइटिंग टेक्निक्स के बारे में जो आपको पढ़ाया था वो उसमें स्टेजेस बताई थी राइटिंग की और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की टेक्निक बताई थी. और इसमें जो है अब हम राइटिंग की टेक्निक पढ़ेंगे फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा. डियर स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निक है राइटिंग की जिसमें हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है. वाइस वर्सा मीन कि हमने उसकी इन्वर्जन करनी है, उसको उलटना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है. जैसा कि इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमारे सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होता है तो उसको हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर जो एक्शन रिसीव करते हैं, और ऑब्जेक्ट को ले आएंगे हम अपने सब्जेक्ट की जगह पर, तो इसको कहते हैं वाइस वर्सा. और चेंजिंग इन्वर्जन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर चीज़ों को उलट देना. फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक वो करना है तो उसका जो उलट होगा वो होगा स्पेसिफिक टू जनरल. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम इन्वर्जन एंड वाइस वर्सा. इन कंपोजिशन, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर इज मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैराग्राफ, एसे और स्पीच बाय मूविंग फ्रॉम अ ब्रॉड ऑब्जर्वेशन अबाउट अ टॉपिक टू स्पेसिफिक डिटेल्स इन सपोर्ट ऑफ दैट टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, इन कंपोजिशन, किसी भी हम राइटिंग में, किसी भी हम जब कोई चीज़ राइट कर रहे होंगे उसमें सबसे पहले जो है हम अपनी जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे. मीन्स कि हम अपने कॉमन से हम अपने पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे, हम अपने स्पेशल चीज़ की तरफ जाएंगे, किसी खास एक उसकी तरफ, टेक्निक की तरफ जाएंगे, ऑर्डर उसको अरेंज करेंगे. इस मेथड ऑफ डिवेलपिंग अ पैराग्राफ, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो आपका, कोई आपका एसे हो, कोई भी आपकी स्पीच हो, जब आपने उस वक्त मूव करना है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ तो उसमें आपने ब्रॉड ऑब्जर्वेशन करनी है. मींस कि एक वास्ट आपकी ऑब्जर्वेशन हो, आपके जो देखने का जो अंदाज है उसको जज करने का, उसको वो क्या हो, वास्ट हो, वसी हो. अबाउट अ टॉपिक, अपने टॉपिक के बारे में, टू स्पेसिफिक डिटेल्स इन स्पॉट ऑफ दैट टॉपिक, और हमेशा आपने अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स पर फोकस करना है जो कि आपके टॉपिक को स्पॉट करें, जो आपके आपके टॉपिक की हेल्प करेंगी. तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने कोई ऐसे राइट करना है, पैराग्राफ राइट करना है, या कोई भी आपने रिटन टास्क अगर आपको मिलेगा उसमें सबसे पहले आपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है. मींस के आम से एक खास की तरफ आपने अपने आप को लेकर जाना है सेंटेंस में. तो उसकी टेक्निक आपने ये पहले फोकस करनी है कि उसमें आपने स्पेशल चीजों की तरफ सबसे पहले मूव करना है. तो इसमें आपने देखना है, ऑल्सो नोन एज द डिडक्टिव मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जनरल टू स्पेसिफिक ऑर्डर इज मोर कॉमनली यूज देन द रिवर्स मेथड. डियर स्टूडेंट, आपकी ये जो जनरल से स्पेसिफिक जो आपका जो मेथड होगा इसको हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं. और डिडक्शन वो होती है जिसमें आपको कोई चीज़ की जो है डिस्काउंट होता है, जिसमें आपकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, आप जो है इसमें किसी चीज़ की कमी होती है. तो आपने जनरल से स्पेसिफिक, फिर आपका ऑर्डर रिवर्स होता है. जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ रिवर्स होती है, बैक होती है, तो फिर हमने उसमें देखना है कि अब हमारी जनरल से स्पेसिफिक किस में रिवर्स हुआ, स्पेसिफिक से जनरल ऑर्डर में हुआ, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड. ये मैं आपको नेक्स्ट जो है इसको डिटेल में पढ़ाती हूँ. अभी आपने इसको ये समझना है कि जब हम अपने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होंगे किसी भी मेथड में तो वो हमारा कहलाएगा डिडक्टिव मेथड, कि हम एक आम से खास की तरफ जा रहे हैं. जब एक हम खास से आम की तरफ जाएंगे, मतलब स्पेशल से, जब हम पर्टिकुलर से, जब हम एक कॉमन की तरफ ऑर्डर में अपनी चीज़ों को अरेंज कर रहे होंगे, वो कहलाएगा इंडक्टिव. इंडक्टिव होता है किसी चीज़ को अपने अंदर हल कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, शामिल कर लेना, इट्स कॉल्ड इंडक्टिव मेथड. तो ये है आपका जनरल से स्पेसिफिक और स्पेसिफिक से जनरल, इट्स कॉल्ड वाइस वर्सा, स्पेसिफिक ऑफ वाइस वर्सा, कि इन्वर्जन होगी आपकी चीज़ों की.
नेक्स्ट आप देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ्स मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट आपने देखना है कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ में किस तरह से अपनी जनरल से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ मूव करते हैं, किस तरफ अपना जो है उस वे में आप उस मोड में आप चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी पैराग्राफ क्या होता है। तो बॉडी पैराग्राफ इज अ मिडल पार्ट ऑफ योर पैराग्राफ। आपके कोई भी पैराग्राफ का जो दरमियान वाला जो मिडल जो है सेंट्रल जो आपका पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ इज लाई बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। जब भी आपके पैराग्राफ का आपका इंट्रोडक्शन मींस के स्टार्ट या बिगनिंग और आपका एंडिंग पॉइंट या आपका कंक्लूजन जब होता है उसके दरमियान का जो एक पार्ट होता है जो एक मिडल में जो चीज राइट की होती है वो आपकी कहलाती है बॉडी पैराग्राफ। Your paper should be organized in a manner that moves from general to specific information. जब भी आप अपना कोई पेपर राइट करें, जब भी आप अपने पेपर के बारे में कुछ भी आप उसको स्टाइल देना चाह रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी अरेंज इस तरह से हो, आपके इस मैनर में इस फॉर्म में चीज़ों को लिखाओ, इस अंदाज में लिखाओ, इस लुक में आपकी चीज़ों को लिखाओ कि आपकी जो है जो मूवमेंट है वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ होना चाह रही हो। इसका मतलब ये कि आप जो कुछ लिखना चाह रहे होते हैं अपने पेपर में बेसिकली आपको उसको लिखने का पर्पस ये है कि आप किसी चीज से जो है जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। व्हेन यू बिगिन अ न्यू सब्जेक्ट, जब भी आप कोई न्यू सब्जेक्ट आप अपना कोई न्यू टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हैं, थिंक ऑफ एन इन्वर्टेड पैरामिड। थिंक ऑफ एन इन्वर्टेड पैरामिड। इन्वर्टेड पैरामिड वो होता है, इट्स अ मेथड इन विच यू राइट न्यू राइटिंग। जब भी आप किसी न्यू राइटिंग को राइट करते हैं द ब्रॉडेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने किसी वसी पॉइंट से और डिलीवर करते हैं अपनी किसी स्टोरी में या किसी चीज में एट द टॉप ऑफ द स्टोरी, तो इट्स कॉल्ड अ इन्वर्टेड पैरामिड। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि आप जब भी कोई न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें जब अपनी न्यू राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ब्रॉडेस्ट होनी चाहिए, एक न्यू फॉर्म में होनी चाहिए, एक वसी एक वास्ट होनी चाहिए। सिट्स एट द टॉप, आपके स्टोरी के आपके एसे के आपके पैराग्राफ के टॉप पर होनी चाहिए वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप न्यू इन्फॉर्मेशन राइट कर रहे होते हैं। फिर सुन लीजिएगा, इन्वर्टेड पैरामिड मीन्स के आपकी कोई न्यू राइटिंग जब अपने पैराग्राफ में कोई न्यू चीज़ राइट करना चाह रहे होंगे तो हमेशा उसकी इन्फॉर्मेशन आप राइट करेंगे आप एट द टॉप मीन्स के उसके टॉप पर, स्टोरी के किसी एसे के किसी स्पीच के किसी पैराग्राफ के। एंड एज द पैराग्राफ और पेपर प्रोग्रेसिस, तब जाकर आपका पैराग्राफ डिवेलप करेगा प्रोसीड करेगा और आपका पेपर तब आपकी जो है उसकी डिवेलपमेंट होगी कि पता चलेगा कि कोई चीज़ राइट की गई है। The author becomes more and more focused on the argument ending with the specific detail, evidence supporting a claim. और जो आपका author है, जो आपका writer है, लिखने वाला जो है, जो compose करता है, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो focus करता है दलाइल के साथ अपने conclusion point पर, अपने ending point में, specific detail में, किसी खास जो है, detail में, तफसील में जाकर evidence पूरे अपने proofs के साथ और support करता है, declare करता है चीज़ों को दावे के साथ कि उसने जो राइट किया है, उसने जो उस चीज़ों को मूव किया है, वो जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब दी है वो एक उसको जो है क्लेम करता है, एक असर्शन करता है, उसमें डिक्लेयर करता है चीज़ों को, बताता है कि इट्स अ राइट, क्योंकि उसके पास प्रूव होते हैं कि उसने अपना जो इंट्रोडक्शन भी सही राइट किया है और अपना कंक्लूजन भी सही राइट किया, ऑटोमेटिकली उसका बॉडी पैराग्राफ जो है वो एग्जैक्टली जो है परफेक्ट होता है। Lastly, the author explains how and why the information she just has provided connects to and supports her text, a brief wrap up or warrant. तो डियर स्टूडेंट्स जब भी कोई ही एंड शी, जब भी कोई राइटर है चाहे वो फीमेल है या मेल है, जब भी कोई अपना पेपर राइट करता है, अपना टेक्स्ट राइट करता है, अपने थीसिस राइट करता है, अपना कोई भी टास्क जो है जब वो राइट करता है तो उसमें वो ये बयान करता है वो आपको कैसे और क्यों आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाए ताकि आप अपने इन आइडियाज से अपने पेपर से कनेक्ट रहें, कनेक्टेड हों, ताकि उसमें आपकी ब्रीफ रैप अप वारंट आपकी चीज़ों को जो है श्योरिटी मिल सके, आपकी चीज़ों को इनफोल्ड किया जा सके, किसी भी काम की कोई माकूल वजह होनी चाहिए। वो इसमें आपको ये बताया जाता है जब भी आप बॉडी पैराग्राफ राइट करते हैं कि आप ये चीज़
कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन में क्या है, तो आपको प्रोवाइड करता है आपका ऑथर कि आपको कोई माकूल वजह, जिसकी कोई खास वजह हो, इसके तहत जो है आप अपना बॉडी पैराग्राफ जो है वो अपना राइट कर सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। और डिटेल्स कौन सी होंगी, वो आपकी स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि आप अपने पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ में आप अपने फोर एलिमेंट्स के, आप एक अपना जो पैराग्राफ एक अच्छा बनाना चाहते हैं उसमें एक जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स एक बताना चाहते हैं, तो उसमें आपके फोर एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे। एक खसूसियात आपकी जो पाई जाती हैं एक पैराग्राफ में, उसको जब आपने एक प्रेजेंट करना है तो एक पैराग्राफ की जो क्वालिटीज़ हैं वो इन जो है एलिमेंट्स पर मिलकर बनी है। जैसे टी टी ई बी, इसको आपने एब्रीविएट जब करना है तो इट्स मीन ट्रांजिशन टॉपिक सेंटेंस एविडेंस एंड ब्रीफ रैप अप। तो डियर स्टूडेंट, ये आपकी इसकी एब्रीविएशन थी। तो जो ये लिखा हुआ है ये आपका एक्रोनिम्स है। जब हमने इसको एब्रीविएट किया, जब हमने, तो हमारे पास ट्रांजिशन टॉपिक और एविडेंस ब्रीफ आ गया। अ गुड पैराग्राफ शुड कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग फोर एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स पर आपका एक अच्छा, एक गुड, एक करेक्टरिस्टिक पैराग्राफ जिसमें आपकी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, जिसको आप एक पैराग्राफ कह सकें, उसमें ये आपके फोर एलिमेंट्स होना जरूरी है। कि ट्रांजिशन मींस कि आपकी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जब भी आप किसी चीजों को जब है ट्रांजिट करते हैं, मींस कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो जिस चीज के बारे में आप अपनी दलाइल देना चाह रहे होते हैं, टॉपिक के बारे में अपने मौजू का, आपका जो सेंटेंस का जो आपका एक मौजू होता है उसके बारे में आप बताना चाह रहे होते हैं। स्पेसिफिक एविडेंस किसी खास एक प्रूफ के साथ एंड एनालिसिस, और उसका एनालिसिस तज्जिया करके उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर जब बताते हैं, एंड अ ब्रीफ रैप अप सेंटेंस, और किस तरह से आप डिटेल में जाकर अपने रैप करते हैं, इनफोल्ड करते हैं चीज़ों को, सेंटेंस को फोल्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके ये जो फोर जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पैराग्राफ में ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे इंडक्शन एंड डिडक्शन। अभी मैंने आपको बताया है कि इंडक्शन और डिडक्शन को कि किस तरह से हमने अपने स्पेसिफिक और जनरल में देखा था। कि इंडक्शन मींस कि जब कोई चीज़ की हम जो है इम्प्लीकेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हम जब देखते हैं तो वो डिडक्शन होती है। इंडक्शन क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अपने अंदर शामिल कर रहे होते हैं, इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी एक इंडक्शन। फिर फोकस कीजिएगा, इंडक्शन मींस कि किसी चीज़ को शामिल करना, इंडक्ट करना, मतलब अपने अंदर जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, जनरेट करना, किसी चीज़ की कोई क्रिएशन करना या ट्रिगर करना, ये होता है आपका इंडक्ट करने का अमल। और डिडक्शन क्या होती है, ये इसमें आपने देखना होता है किस तरह से चीज़ों में आपकी जो है डिस्काउंट हो रहा होता है, कटौती हो रही होती है, कमी हो रही होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि हमारे पैराग्राफ में इंडक्शन क्या होती है। इंडक्शन इज़ द टाइप ऑफ रीजनिंग दैट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू जनरल कंक्लूजन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इन रीजनिंग, जो हम एक वजह होती है जिसके तहत हम ये अपनी चीज़ों को इंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारे सेंटेंस हैं, उसमें जो हमारा पैराग्राफ है, उसमें हम स्पेसिफिक फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। मींस कि किसी खास जो है फैक्ट, हकीकत की तरफ जाते हैं, किसी भी हम अपनी जो है एक रियलिटी की तरफ जाते हैं, एक एक्चुअलिटी की तरफ जाते हैं, टू आ जनरल कंक्लूजन, और उसमें हमारा स्पेसिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उसके बाद हमारा कंक्लूजन क्या होता है, वो एक कॉमन होता है कि हमने अपने फैक्ट्स तो देख लिए, अपने स्पेसिफिक डिटेल तो देख ली, अब हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा जनरल हो जाएगा। तो हम जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्शन कहलाती है। इंडक्शन तब होती है जब हम किसी खास से आम की तरफ जा रहे होते हैं, कॉमन की तरफ जा रहे होते हैं। व्हेन यू यूज इंडक्शन इन योर पेपर, जब भी आप अपने पेपर में, जब भी आप अपना कोई जो है पेपर राइट करते हैं, उसमें जब आप इंडक्शन करते हैं, जब भी आप जो है स्पेसिफिक से स्पेशल से जब कॉमन की तरफ जा रहे होते हैं, यू विल स्टेट योर पेपर विच इज एक्चुअली द कंक्लूजन यू हैव कम टू आफ्टर लुकिंग एट ऑल द फैक्ट्स। तो आपने सबसे पहले अपने जो है फोकस करना है कि आप जो अपनी टेक्स्ट, आप जो अपना राइटिंग जो आप अपने पेपर पर राइट करें, वो एक एक्चुअल है,
आपके कंक्लूजन के मुताबिक है, आपके एंडिंग पॉइंट से जो है वो उसके साथ रिजेम्बलेंस है, यू हैव टू कम आफ्टर लुकिंग एट द ऑल फैक्ट्स, उसके बाद आपने अपने उसके सारे फैक्ट्स को देखना है, एंड देन स्पॉट यूर थीसिस टेक्स्ट पेपर विद द फैक्ट्स, और फिर उसके बाद अपने आपने सारे फैक्ट्स देखने के बाद अपनी एंडिंग जो है अपने टेक्स्ट को, पहले आपने कंक्लूजन के फैक्ट्स की तरफ आपने मूव करना है कि आपकी एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं, उसके बाद आपने अपने पेपर और अपने टेक्स्ट की जो है उसके फैक्ट्स को स्पॉट करना है, उसमें आपने इन चीज़ों की हेल्प करनी है, चीज़ों की इंडक्शन करनी है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, चीज़ों को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट आप देखें डिडक्शन। डिडक्शन अभी मैंने आपको बताया था कि आपने चीज़ों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसको कट करना होता है अपने पैराग्राफ में से, उसकी डिडक्शन करनी होती है। जैसे हम कहते हैं किसी भी अमाउंट की आप डिडक्शन कर लें इसमें से, कोई भी अगर ज़्यादा अमाउंट है जो उसको हम उसकी डेफिशिएंसी करना चाह रहे होते हैं, कमी करना चाह रहे होते हैं, हम कहते हैं जी इस आपके पास काफ़ी सारी अमाउंट है तो आपकी इस अमाउंट में से हम इतना डिडक्ट कर लेते हैं, मतलब काट लेते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो डिडक्शन बेसिकली इट्स अ इम्प्लीकेशन, इट्स अ सिंथेसिस। When you use deduction in an argument, जब भी आप किसी अपने दलाइल में, argument बहस में, जब भी आप किसी अपने एक स्पीच में जब आप deduction use करते हैं, you begin with the general premises and move to a specific conclusion। तो उसमें आप जो है अपने जनरल प्रीमिसिस अपने अपने जो है कॉमन अहाते में रहते हैं, अपने प्रीमिसिस आपका एक दायरा होता है, आपका एक सर्कल होता है, लेकिन इसमें आपका जो सर्कल है वो एक जनरल होगा, इंडक्शन में स्पेसिफिक होगा और आपके डिडक्शन में ये आपका जो है प्रीमिसिस जो है वो जनरल होगा और आप मूव करेंगे अपने स्पेसिफिक कंक्लूजन में। उसमें हमने अपने जो है जनरल कंक्लूजन देखा था, इसमें हम अपने स्पेसिफिक कंक्लूजन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स एक दफा फिर फोकस कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंडक्शन और डिडक्शन का। इंडक्शन में आप अपने स्पेसिफिक प्रीमिसेस से मूव करके जनरल कंक्लूजन में आते हैं, और डिडक्शन में आप अपने जनरल प्रीमिसेस से मूव करके स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, कंक्लूजन की तरफ। तो ये आपने इसका डिफरेंट देखना है, ये आपको डिफरेंशिएट करना है खुद ही। देयर इज अ प्रिसाइज पैटर्न यू मस्ट यूज व्हेन यू रीजन डिडक्टिवली। आपने अपनी चीजों को प्रिसाइज करना है, आपने अपनी चीजों को एज शॉर्ट मीन्स के अपनी इस अंदाज में खूबसूरती के एक एलिगेंट आपका वो होना चाहिए, पता चलना चाहिए। आपने चीजों को कंसाइज मुख्तसिर करके और प्रिसाइज एक खूबसूरत अंदाज में जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है उतना लिखा हुआ है, आपने डिडक्ट करके लिखा हुआ है, कम से कम चीजों को लिखा हुआ है। इंडक्ट में तो आपकी चीजें ऐड हो रही होती हैं, डिडक्ट में आपकी चीजें जो है कम हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट की तरफ हो। तो आपने अपनी चीजों को एक शॉर्ट वे में कंसाइज करके लिखना होता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड सिलोजिस्टिक रीजनिंग। आपका ये पैटर्न जब जिसमें आप डिडक्ट कर रहे होंगे, ये आपका कहलाएगा पैटर्न सिलोजिस्टिक। सिलोजिस्टिक में जब आप देखते हैं कि आपके उसमें मेजर प्रीमिस आते हैं और आपके माइनर प्रीमिस आते हैं, मीन्स के सिलोजिस्टिक रीजनिंग मीन्स डिडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन थ्री स्टेप्स। जो सिलोजिस्टिक होती है वो आपके थ्री स्टेप्स पर जो है कंसिस्ट करती है। थ्री स्टेप्स इसमें होते हैं बेसिकली। मेजर प्रीमिसेस, मेजर प्रीमिसेस में आप क्या देखते हैं कि जिस चीज में आप अपने जनरल यूनिवर्सल नेचर को, किसी भी आप चीज की एक जनरल नेचर को बता रहे होते हैं तो वो आपका मेजर प्रीमिस कहलाएगा। और माइनर में जो है आप उसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक माइनर चीज के प्रीमिसेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो डियर फ्रेंड आपकी जो है सिलोजिस्टिक रीजनिंग है वो आपकी थ्री पॉइंट्स पर आपकी जो है मबनी होती है, मुश्तमिल होती है, जिसमें आपका मेजर होता है। मेजर में मतलब आप अपनी चीजों के जनरल नेचर की तरफ रहते हैं, और माइनर में जो है आप अपनी चीजों की जो है मामूली एक शॉर्ट और एक कम और एक जो है पर्टिकुलर चीजों की तरफ जाते हैं, और लास्ट में आप अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, एक अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ जाते हैं, चीजों को कंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली आपकी डिडक्शन में या आपकी सारी चीजें ऐड होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे हमारी। जब हमने अपनी जनरल से स्पेसिफिक एक टेक्निक पढ़ ली, तो अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक पढ़ें जिसमें हम देखेंगे
फ्रॉम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लीस्ट इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह से हम अपनी राइटिंग टेक्निक में अपनी इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मतलब कि बहुत एक हद से ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखते हुए हम एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट पर आ जाएंगे। मतलब लीस्ट आप एक मिनिमल चीज़ पर आ जाएंगे, आप एक मिनिमम चीज़ पर आ जाएंगे जिसमें आप अपने इम्पॉर्टेंस उसकी जो है उसकी कम कर देंगे, ज़्यादा से कम की तरफ जब आप आएंगे तो इट्स कॉल्ड आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंस हो जाएगी। आपकी क्रिएटिव इज क्रिएटिव वो होता है जब आप अपने आइडियाज को क्रिएट कर रहे होते हैं और आप उसको क्रिएट करने के बाद कंपोज करते हैं। हमेशा हम आपको जब कहते हैं जी क्रिएटिव बने, क्रिएटिव राइटिंग करें, मींस के अपने आइडियाज को खुद से क्रिएट करें। जो आपका क्रिएटिव है वो बेसिकली क्रिएट से वर्ड निकला है कि आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, खुद से अपने आइडियाज राइट करते हैं, वो आप हमेशा कंपोजिशन में करते हैं। क्रिएटिव इज इंडीड द लीस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी मतलब कि क्रिएटिव यहां पर इस कदर आपकी इंपॉर्टेंट है जिसमें आप देखते हैं कि आप चीजों को किस तरह से इनफेक्ट टू बी श्योर कि आपकी जो है राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपका क्रिएटिव। नो डाउट कि क्रिएटिव राइटिंग हमारी अच्छी होती है तो हम खुद से कुछ राइट कर पाते हैं, तो आपकी जो है राइटिंग टेक्निक में आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है एक बहुत जो है एक जो है श्योर होके हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट द लीस्ट इंपॉर्टेंट मींस के एक मिनिमल जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें हम आपको कह सकते हैं जी एक डिटर्मिनर है, ये टीनियस्ट जो आपका जो है एक पार्ट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड राइटिंग इज द पैरागॉन ऑफ द डायनामिक, जिसमें आप अपनी चीजों को जो राइट करते हैं वो एक मतलब पैरागॉन होती हैं, एक परफेक्ट होती हैं, एक मॉडल के तहत होती हैं जिसमें चीज़ों को एक खूबियों का मजमुआ होता है कि हम कहते हैं ये राइटिंग कमाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। वो कैसे होती हैं, वो हमारी हम जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जाते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल में, पैरागॉन अपने डायनेमिक फुल ऑफ एनर्जी से हम लिखते हैं, अपनी एक मूवमेंट हमारी जो पता चल रही होती है कि हमने किस चीज को क्रिएट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी राइटिंग टेक्निक में आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है एक इट्स अ इंडीड द लीस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड राइट अ पैरागॉन ऑफ द डायनामिक, जिसको आप फुल ऑफ एनर्जी होकर राइट करते हैं। राइटर्स टू ऑफन फॉरवर्ड कॉपी दैट क्वाइट सिंपली सक्स, हमेशा जो राइटर है वो जो राइट करने वाला है वो इसी चीज़ को फॉरवर्ड करता है, इसी चीज़ को क्वाइट सिंपली देखता है और अपने अंदर सक एक अब्सॉर्ब करता है। बट इक्वली देयर आर मैनी टाइम्स व्हेन वी कैन गेट कॉट अप इन आवर कंट्रोल नीड्स एंड फेल आउट टू क्रिएटिव पीपल सिंग, जब हम इस चीज़ को इक्वली देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर ऐसे होता है जब हम इस चीज़ को कैच करते हैं और कंट्रोल करते हैं जरूरत पड़ने पर, एंड फेल टू लेट आवर क्रिएटिव पीपल सिंग, जब इस चीज़ को लोग अपना जो है अपना एक नहीं देखते चीज़ों को, मतलब अपनी क्रिएटिव की तरफ नहीं देखते, अपनी तरफ मूव नहीं करते, तो उनकी जो सारी स्किल्स हैं वो इस तरफ से बढ़ती नहीं है, डिवेलप नहीं करती जब वो चीज़ों को क्रिएट नहीं करते। मोस्ट एसेज मूव फ्रॉम द लीस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर जो हमारे जो एसेज होते हैं, अक्सर जो हमारे जो है पैराग्राफ्स होते हैं वो लीस्ट से मोस्ट की तरफ इंपॉर्टेंट करते हैं और मोस्ट से लिस्ट की तरफ जाते हैं। अब यहां पर जो हमारे पैराग्राफ और ऐसे हैं वो हमारे लिस्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से मिनिमल से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, एंड द पैराग्राफ्स आर अरेंज्ड इन एफर्ट टू बिल्ड द एसे स्ट्रेंथ, और हमारे इसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो अरेंज किए जाएंगे ऑर्डर के मुताबिक इन एफर्ट एन एफर्ट टू बिल्ड एन एसे स्ट्रेंथ, जिसमें एसे की एक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, एक एफर्ट की पावर एनर्जी के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को लीस्ट पॉइंट को मोस्ट पॉइंट में बदला है और अपनी चीज़ों को क्रिएट किया है, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। Sometimes, however, it is necessary to begin with your most important spotting point. अक्सर उकात, often, however, बहुत सी जगहों पर it's a necessary, एक ये essential part होता है, एक integral part होता है, ये एक लाजिम जो है हिस्सा होता है to begin with your most important spotting point, जो आपके writing में आपके points को spot करता है, such as in as essays that contains a
टेक्स्ट और आपके जो पेपर होता है दैट इज हाईली डिबेटेबल. जब भी आप अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप चीजों के बारे में डिबेट करने के काबिल होते हैं. आप इस चीज को करने के जो है एलिजिबल हो जाते हैं. आप चीजों पर बहस कर सकते हैं. आप इस चीजों पर जो है उस पर हम जब समटाइम कहते हैं जी डिबेट करें, आकर मतलब यहाँ पर स्पीच करें, बोलें, आप उसके क्या होते हैं डिबेटेबल हो जाते हैं, काबिल होते हैं. जब आप अपनी चीज़ खुद राइट करते हैं तो उसको अपने अंदाज में अच्छे से आप उसको बता भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं चीज़ों को. व्हेन राइटिंग अ पर्सुएसिव एसे, आपकी जब आप राइटिंग जो है अपनी दलाइल के साथ अपना कोई ऐसे राइट करते हैं परसुएसिव और आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि आपने चीज़ों को अगर जब राइट करते हैं तो आप उसको डिबेट करेंगे तो आप उसको परसुएसिव ऐसे में ले जा सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं. इट इज़ अ बेस्ट टू बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इट इमिजिएटली कैप्टिवेट्स योर रीडर एंड कंपल्स देम टू कंटिन्यू रीडिंग. ये उस तरफ आपको ले जाता है, आपका जो है जो परसुएसिव करता है, परसुएड करता है, कन्विंस करता है दूसरों को कि वो आपकी इस पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करें एंड इमिजिएटली कैप्टिवेट करें, आपको कैच करें, रीडर्स जो है फौरन से इस तरफ मूव करें, आपकी आपकी जो जो है आपने जो राइट किया है उसको पढ़ना स्टार्ट करें. तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको सिंपली मैं बताती हूँ कि इसमें वो यही बताई गई है बात कि आपका लिखा हुआ इस तरह से खूबसूरत एडोरेबल हो, खूबसूरत अंदाज में आपने लिखा हो जिसमें पढ़ने वाले को पता चले कि वो उसने कुछ जो वो है कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है और वो उसमें डिबेटेबल है. मींस के उसको दूसरे वो अपने आप को इस तरह से देखे कि उसके महसूस हो कि उसको कन्विंस किया गया है पढ़ने पर, कि वो अपने आप को इसको इतना खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि इसको पढ़ने पर वो मजबूर हो गया है, ना चाहते हुए भी, ना पढ़ने के लिए भी उसने जो है इसको जो है पढ़ने का इरादा नहीं था, लेकिन उसकी राइटिंग में, उसकी स्किल्स में, उसकी क्रिएशन में ऐसी चीजें हैं कि वो पढ़ने पर मजबूर हो गए, उसको ये पढ़ना पड़ा है. तो इस तरह से आपका राइटिंग पैटर्न होना चाहिए क्रिएटिव में. तो बेसिकली आपको ये चीजें लिस्ट से इंपॉर्टेंट से मेन की तरफ ले जाती है, मेन से लिस्ट की तरफ ले जाती हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. कंपैरिजन और कंट्रास्ट में हम देखते हैं कि चीज़ों को कंपेयर किस तरह से करते हैं, चीज़ों का मवाजना किस तरह से करते हैं, और कंट्रास्ट में हम देखते हैं कि चीज़ों का किस तरह से हम उसके बरअक्स देखते हैं, ऑपोजिट देखते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट राइटिंग इज यूज टू शो अ रीडर द सिमिलैरिटीज एंड और डिफरेंसेस बिटवीन टू सब्जेक्ट्स. तो मैंने अभी आपको बताया है जब हम कंपेयर की बात करेंगे इट्स मीन कि हम उनको मवाजना कर रहे हैं एक चीज़ का दूसरी, और कंपेयर हमेशा तब होता है जब हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हो. इट हैपन्स टू ऑब्जेक्ट्स. तो आपने और कंट्रास्ट आपका कब होगा जब आप टू ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस कर सकेंगे. तो कंपैरिजन राइटिंग फोकसेस ऑन सिमिलैरिटीज, वेज थिंकिंग्स आर अलाइक, व्हाइल कंट्रास्ट राइटिंग फोकस ऑन डिफरेंसेस. जब भी आप अपना जो है कंपेयर करे होंगे तो उसमें आपने सिमिलैरिटीज देखनी है कि चीज़ें जो है सिमिलर है, और उसी बात पर आपने फोकस करना है कि एक कॉमन है, आपस में एक जैसी है. और जब कंट्रास्ट की बात होगी तो इट विल हैपन व्हेन टू और मोर थिंग्स आर डिफरेंट. जब ये दो चीज़ें डिफरेंस हो जाएंगी तो कंट्रास्ट हो जाएगा. जैसे कि हम कहते हैं अक्सर कि कंट्रास्ट देखें लाइट और डार्क का, हम कहते हैं जी आप हमने कंट्रास्ट करना है चीज़ों का. तो अगर हमारा जो कलर जो है उसमें अगर हमारा रेड है तो उसके साथ हमने कम्बिनेशन ऐसे करना है कंट्रास्ट के, एक डार्क है रेड तो उसके साथ हमने लाइट करना है. जो कंट्रास्ट होता है वो ऑपोजिट होता है, एक चीज़ डार्क है तो उसका कम्बिनेशन उसका लाइट बनता है, किसी चीज़ का बरेक्स होता है. और कंपेयर करते हैं हम दो चीज़ों को आपस में, ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि एक जैसी होती हैं और उसने हमने, जैसे कि हम देखते हैं कि टू अगर एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं तो बेसिकली वो फ्रूट्स हैं, दोनों सिमिलर हैं कि फ्रूट्स हैं, लेकिन उसमें हमने कंपेयर करके उसकी क्वालिटीज का देखना होता है कि किस तरह से ये डिफरेंट हैं. बेसिकली वो दोनों ही फ्रूट्स हैं, एप्पल्स भी और ऑरेंजेस भी, उसमें दोनों सिमिलैरिटीज की बात ये की जा रही है, दोनों आ ही फ्रूट्स से रहे हैं लेकिन उसमें चेंजेस उनकी क्वालिटीज की वजह से आ जाती हैं. इस तरह से कंट्रास्ट जो है वो कलर्स में आप कंबिनेशन देख लें, किसी और चीज में देख लें कि ऑपोजिट डे है तो नाइट है, उसके साथ उसका जो बरेक्स है उसको ऑपोजिट है, तो ये आपका कंट्रास्ट हो जाता है.
रिमेंबर दैट यू आर टू सब्जेक्ट्स मस्ट बी डिफरेंट. कंट्रास्ट में आपके सब्जेक्ट जो है वो दोनों डिफरेंट होंगे, सिमिलर नहीं होंगे. कंपैरिजन में सिमिलर होंगे, जिसमें आपने एक जैसी चीज होगी लेकिन उसकी डिफरेंशिएट करना होगा. इसमें आपके दोनों चीजें ही जो है डिफरेंट होंगी, बट स्टिल इन द सेम बॉल पार्क टू क्रिएट अ मीनिंगफुल कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे. जब आपके सेम मेथडोलॉजीज में आपने कंपैरिजन को और कंट्रास्ट को देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट टू डिफरेंट हिस्टोरिकल फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टू हिस्टोरिकल किसी भी ऐसे दो तारीखी जो है पर्सनैलिटीज के बारे में या फिगर्स के बारे में जो है वो आप राइट करते हैं, इट मेक्स सेंस टू चूज टू ग्रेट आर्टिस्ट रादर देन एन आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. तो आप जो है दोनों ही अपने आर्टिस्ट देखेंगे, टू ग्रेट आर्टिस्ट, यू विल चूज टू ग्रेट आर्टिस्ट रादर देन एन आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियन. तो दोनों ही वो आपकी फील्ड सेम होगी कि आर्टिस्ट से, लेकिन एक जो है आपका आर्टिस्ट हो जाएगा, एक आपका पॉलिटिशियन हो जाएगा. तो इसकी अब एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे आपकी है मोदी गिलानी एंड पिकासो. बेसिकली ये दोनों जो है, मोदी गिलानी इटालियन कारपेंटर है और पिकासो जो है वो एक आर्टिस्ट है जो कि फ्रांस में जो है रहता है. तो बेसिकली इन दोनों की सिमिलैरिटीज हैं कि वो कारपेंटर है और वो क्या है, आर्टिस्ट है इनकी, लेकिन इनकी जो क्वालिटीज, जो इनके वर्क हैं वो डिफरेंट हैं. इस तरह से जो है आपका मोजार्ट एंड सैलरी, इस तरह से जो आपके सिंगर्स हैं वो बेसिकली सिंगिंग से आ रहे हैं लेकिन इनकी जो है करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है. वेजिटेरियंस एंड मीट ईटर्स, अब आप देखें इनका कंट्रास्ट देखें. ये वेजिटेरियंस हैं जो सब्जियां खाते हैं, अब इन कम्बिनेशन देखें मीट ईटर्स जो गोश्त खाते हैं. यहाँ हमारा कंट्रास्ट हो गया. ह्यूमैनिटीज माइंडेड एंड मैथमेटिकली माइंडेड, ह्यूमैनिटीज देखें कि आपकी इंग्लिश है और मैथमेटिकली माइंडेड आपकी मैथ्स है, लेकिन बेसिकली फील्ड एक है, सिमिलैरिटीज है लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट किया गया दोनों चीज़ों को. एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रो होता है किसी चीज़ बाहर की चीज़ों में अपनी इंटरेस्ट रखना, बाहर की चीज़ों में अपना फोकस करना. इंट्रो होता है कब आप अपने इनर चीज़ों को जो है फोकस कर रहे होते हैं, चीज़ों को अंदर की तरफ मोल्ड कर रहे होते हैं. तो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स ये ऑपोजिट हो गया हमारा. फैटलिस्ट एंड वॉलंटियरिज्म, इस तरह से ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिज्म, ये आप देखेंगे कि आपका किस तरह से डिफरेंशिएट इनकी करेक्टरिस्टिक्स में होगा. डेमोक्रेसी एंड टोटलिटीज, ये भी आपके देखें कि इसमें आपने कंपैरिजन और जो है किस तरह से कंट्रास्ट किया है. जनरेशन वाई एंड जनरेशन जी, ये भी जनरेशन है, ये भी जनरेशन है, लेकिन ये जनरेशन वाई है और ये जनरेशन जी है. ये अपनी जो है अपने डिफरेंट इनकी क्वालिटीज की वजह से, डिफरेंट वर्क की वजह से, डिफरेंट फंक्शंस की वजह से ये चेंज हो गए हैं. तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने जो है उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और स्टेजेस के बाद जो नेक्स्ट इस टॉप आज इस लेक्चर में पढ़ी है, वो आज हमने पढ़ी है अपनी स्पेसिफिक से जनरल और जनरल से स्पेसिफिक. मीन्स के हमने आज इस टेक्निक को पढ़ा है और अभी जो हमने अपनी इस टेक्निक को पढ़ा जिसमें हमने देखा है इम्पोर्टेंट से लिस्ट की तरफ, मीन्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट से लिस्ट को पढ़ा है. तो इसमें जो है आपने इन सारे पॉइंट्स को, एग्जाम्पल्स को फोकस करना है और कंपैरिजन और कंट्रास्ट पे आपने देखना है और चीज़ों को, एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है किस तरह से आप चीज़ों को कंपेयर करेंगे और कंट्रास्ट करेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, दिस ऑल आर फ्रॉम माई साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क टू मी. और डियर फ्रेंड्स, आपने इसके सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अपने स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को देखना है. किसी भी जगह पर आपको एग्जांपल्स में या किसी भी स्टेप्स में, किसी भी स्ट्रेटजीज में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछना है, हेजिटेशन नहीं करनी. और आपको मैं पहले भी एक चीज़ बता चुकी थी और अब भी बता रही हूँ कि आपको अपने चीज़ों को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो. जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आप इजीली चीज़ों को जो है कंप्रीहेंड कर लेंगे, आप कंपोज कर लेंगे. और आपको सारी टेक्निक्स इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि आप अपने ये सारे टेक्निक्स में, अपने ये सारे वेज जो हैं, सारे मोड हैं, इसको जो है अपने इनको जो है पढ़कर इनके बारे में कंसेप्ट क्लियर करें. तो ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट.